गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मैंने बनाया है बथुए और आलू का रायता। तो ये बच्चे को काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने इसलिए बच्चों के लिए ये रायता बनाया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैं और रायते बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ये रायता बनाया था। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया हुआ था इसका। और बथुए के रायते के साथ हमने बनाई थी बाजरे की रोटी और सिलबट्टे वाली चटनी। तो अभी खाना खा रहे हैं ये, और मम्मी बाजरे की रोटी बनाएंगी बाद में। तो बोल रही थी कि तुम बच्चे को तैयार करते, वैसे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं इसलिए मेरे को बच्चे तैयार करने थे, और मम्मी रोटी बनाने लगी कि बाजरे की रोटियाँ बनाती है मम्मी, और मम्मी की आदत काफ़ी अच्छी बनती है। मेरे को बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती, मैं सब कुछ कर लेती हूँ लेकिन मेरे से ये बनती नहीं है, बाजरे की रोटी टूट जाती है। तो ये भी एक टैलेंट ही है जो मम्मी के अंदर, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी रोटी काफ़ी फुली फुली और अच्छी बनती है, कुरकुरी। और हमारा तो बाजरा भी काफ़ी अच्छा है, मीठा बाजरा है। और धूप निकलने के बाद मेरी दूसरी झाड़ू का टाइम हो गया, क्योंकि आंगन सूखता तभी है और मिट्टी भी अच्छे से तभी निकलती है जब आंगन सूख जाता है। तो झाड़ू वगैरह भी हो चुकी थी और फिर ड्यूटी लग गई मेरी बर्तन साफ़ करने की। और बर्तन तो इतने होते हैं, बेहद बर्तन होते हैं, मेरे को 2 घंटे लगते हैं बर्तन साफ़ करने में। और सर्दी के मौसम में तो वैसे गर्म पानी से साफ़ करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। और दूध घी के बर्तन होते हैं, चिकनाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो टाइम होता ही है इनमें। तो अभी कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि उसके बाद मेरे को खेत में जाना है। मैं बोल रही थी कि खेत में आ जाना हरा उठाने के लिए, तो बाद में मैं खेत में जाऊंगी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, घर के काम फ्री होते हैं तभी मैं बाहर का कर पाती हूँ, नहीं तो बस घर के काम में उलझ के रह जाती हूँ। तो काफ़ी दिन के बाद आज मैं खेत की साइड जाऊंगी। तो ये हमारा खेत है, यहाँ पे गेहूँ है और आगे सरसों है। ये है हमारा सरसों का खेत और ये यहाँ पे है गेहूँ, आगे तक गेहूँ गेहूँ है। मन्ना के बिना किस साइड हो तुम? मेरे को लिया ये महादेव ले हो छानो है, तुम गौड़ा ले गए हो पार्क में थोड़ा पक्का था तेरे पास थोड़ी सी मैं मन नहीं आ गया। थोड़ा है तो पच्चा कच्चा चल चल शेरू जा, मम्मी के साथ जा तू, मम्मी के साथ जा तू चल। ये बॉडीगार्ड है, पहले मेरे को घर छोड़ के आएगा फिर मम्मी के साथ जाएगा। तो अभी वहाँ तक जाएगा मेरे साथ। और मैं आ रही खेतों के बीच से, काफ़ी अच्छा लगा खेतों में आके, वैसे बीच बीच में आते रहना चाहिए क्योंकि हरियाली को देख के इतना मन खुश होता है। चुहाने तो मार के छोड़ा है, मिल के अंदर घुस गया, छोड़ मारू पर मारू।
मम्मी यूं कह रही है मेरा पोता मदद करवाया करेगा मेरे साथ। ओए शैताने शेरू शेरू आजा कटन की ड्यूटी है चल आजा पकड़ तो वो देखो ले मैं काट लूं। तो नहाने धोने के बाद हमको बनानी थी खिचड़ी, तो आज गुजी वाली खिचड़ी बनाएंगे। तो मम्मी बाजरा भिगो के और चली गई थी, बोल रही थी कि दोनों मिलके कूट लेना। तो पहले इनकी ड्यूटी लगी कूटने की और बाद में फिर मेरी लगी थी। मतलब जब सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ही कूटता था, मेरे से तो कम ही कूटता है बाजरा, मेरे से खिचड़ी नहीं कूटती। तो कुछ मैंने कूटा था, कुछ इन्होंने कूटा था, दोनों ने मिलके बाजरे की कुटाई की थी और खिचड़ी बनाई थी। कूट लो, आज गोजी की खिचड़ी खानी है, कूट लो आज गोजी की खिचड़ी खा कर दिखाऊंगी। तो बाजरा सूखा हुआ था, इस वजह से हमारा छिलका उतर नहीं रहा था और मुझे पता नहीं था, मम्मी चली गई थी बाहर, तो कुछ ही छिलका निकला इसके अंदर से। तो हमने दोबारा से भिगो के और फिर कूटना शुरू किया है। तो अब की बार छिलका इसका अच्छे से उतर चुका है, निकल गया है और बाद में गिरी रह जाएगी, फिर बाजरे की कुटाई करेंगे। तो अब मम्मी इसको फटकार लेती है, यानी इसका जो छिलका है वो अलग कर लेती है और बाजरे की जो गिरी है वो अलग कर लेगी। तो मम्मी ही करती है ये काम, मेरे से नहीं होता क्योंकि मेरे से ये अलग होता ही नहीं है। मैं करती हूँ तो मैं बाजरा निकाल देती हूँ छिलके की जगह। तो इस ये काम करने के लिए अभी मम्मी आई थी, एक मिनट। तो मम्मी ने सारा छिलका निकाल दिया, तो इन्होंने कुटाई काफ़ी अच्छे से की थी, छिलका पूरा छिलका निकल गया, अब सिर्फ बाजरे की जो गिरी है वो रह गई है। तो अब ये कुटाई करेंगे। मैं तब तक पानी रख दिया है चूल्हे पे और उसमें सबसे पहले डाल दी है दाल, दो से तीन बार धो लिया है दाल को। दाल गलने में थोड़ा टाइम लेती है इसलिए पहले दाल को डाल दिया इसमें, और फिर लिया है मैंने मूंग और मोट की दाल। तो इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको भी हमने खिचड़ी के पानी में डाल दिया है। और फिर लिया है थोड़ा सा चावल, तो ये मैंने एक एक कटोरी के मेजरमेंट से लिया है, तो इसको भी धो के मैंने खिचड़ी वाले पानी में डाल दिया है। तो ये पकेगी तब तक वो खिचड़ी कूट लेंगे। और मम्मी निकालने जा रही है अभी दूध,
तो क्योंकि अभी गोजी बनाएंगे तो गोजी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा, मेरे को नहीं पता था गोजी क्या होता है। तो मैंने एक बर्तन में लस्सी ले ली है और ये थोड़े से खुले बर्तन है जिसमें अच्छे से बन सके, तो दूध निकालने गई है वहाँ पे ही बनेगी ये गोजी। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था ये गोजी होती क्या। मम्मी ने बताया कि एक दिन गोजी की खिचड़ी बनाएंगे, तो बस यही मन में था भी गोजी होती क्या, मेरे को भी देखना है। तो यहाँ पे मम्मी और पापा दूध निकाल रहे हैं, तो कभी कभी इमरजेंसी होती तो मैं भी निकाल लेती हूँ। और मारो थोड़ी सी ज्यादा इधर ये सारा कर दे इधर। तो ये गोजी हमारी बनके तैयार हो गई है, लस्सी में लगती है दूध की धार और तभी गोजी बनती है। और पापा बोल रहे थे बार बार इसमें मीठा डलता है, मम्मी डांट लगा रही थी मीठा नहीं डलता है, तो मीठा डाल के भी खा सकते हैं गोजी में, अच्छी लगती है। तो हमारी गोजी हमने बना के रख दी और यहाँ वहाँ पे उन्होंने खिचड़ी को कूट दिया था, तो अब खिचड़ी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती है क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो वैसे इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डाल दिया है। और ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि धीमी आंच पे बनती है ये, जितनी धीमी आंच पे बनती है उतनी टेस्टी बनती है। तो बाजरे की खिचड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने दो बार बना चुकी, तीसरी बार बना रही हूँ अभी। तो ये बाजरे की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, काफ़ी धीमी आँच पर बनाया जाता तो टाइम लग गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अब करते हैं खाने की तैयारी, ये हमारी गोजी है और इसके साथ खाएंगे हम बाजरे की खिचड़ी। तो अभी ये खा रहे हैं, साथ में इन्होंने ली हुई है सिलबट्टे वाली चटनी, क्योंकि हम जब खाते हैं तो सिलबट्टे की चटनी बनाते हैं और उसके साथ ही खाते हैं। काफ़ी अच्छी लग रही थी गोजी के साथ, मेरे को तो पता भी नहीं था कि गोजी के साथ इतनी अच्छी लगती है और ऐसे गोजी बनती है बिल्कुल आसान तरीके से। पर ये उसी के बनती है जिसके पास भैंस है, ये पक्का है। तो काफ़ी अच्छी खिचड़ी बनी थी। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।